Assalamualaikum. TikTok के 1 billion plus users हो चुके हैं, लेकिन ऐसे hidden, ऐसे secret features जिनको अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि उनमें से एक ऐसा है कि आप किसी के TikTok अकाउंट को completely ट्रेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। थ्रू आज सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, जो हर एक फीचर है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बस थोड़ी सी मिनट की वीडियो पूरी वॉच कर लें ताकि आप TikTok को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर पाए उसके सारे हिडन और सीक्रेट फीचर्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देसी टेक पर, तो मैं हूं मोहम्मद नईम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले फीचर की बात करें कि अगर आप कोई भी वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल क्लियर आए, आपको कोई भी टेक्स्ट देखने को ना मिले, जिस तरह ये लाइक्स चल रहे हैं, ये इस तरह का कुछ भी ना हो, जैसे यहाँ पर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले करेंगे तो ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिससे आप डिट्रैक हो सकें, जिस तरह आप सिर्फ उस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, तो इस तरह आप क्लियर डिस्प्ले का अमल जो है वो कर सकते हैं। अब आपको किसी वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है और आप कोई इस तरह का ट्यूटोरियल या कोई वीडियो देख रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि या तो ये स्लो हो जाए या ये तेज़ हो जाए, तो लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप प्लेबैक स्पीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x की स्पीड आ रही है, 1.5x की नॉर्मल और 0.5x की। इस तरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बिजी हैं, आपके हाथ कहीं और ही बिजी हैं, समझ रहे हो, तो आप ऑटो स्क्रॉल कर सकते हैं, इस पे लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन, इसको एनेबल कर दें। जैसे ही एनेबल करेंगे, जैसे ही कोई वीडियो कंप्लीट होगी तो इजीली वो स्क्रॉल हो जाएगी, आपको यहाँ पे टच करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जैसे ही ये वीडियो पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगी। यू डोंट नीड योर हैंड्स, आप अपने हाथ कहीं और इस्तेमाल करें, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप बहुत बिजी हैं, आप मल्टीटास्किंग की पर्सन हैं, तो आप एक काम करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टिकटॉक भी देखना चाह रहे हैं और साथ कुछ और काम भी सर अंजाम देना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू दिस। आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पिक्चर इन पिक्चर मोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको एनेबल कर दें। अब देखें जी, आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर चलती रहेगी और आप इजीली जो है वो कोई और काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मैसेजिंग ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए काम किए जा रहे हैं और जनाब आपकी वीडियो भी जो है वो भी ओपन है, तो इस तरह आप इजीली पिक्चर इन पिक्चर मोड का यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इजीली मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप टिकटॉक को जो है यूज भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही फ़ोन में आपके मल्टीपल अकाउंट हो, तो यू कैन स्विच डिफरेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट है, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक नया अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप फिर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे जैसे कि ये मेरा अकाउंट आया हुआ है, वैसे ही दूसरा अकाउंट आ जाएगा और आप विद इन सेकेंड जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स में स्विच कर सकते हैं और ईजिली अपने डिफरेंट अकाउंट जो हैं वो रन कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट मोड जो है डार्क मोड या लाइट मोड के आदि हैं, तो आप डिफरेंट मोड में जो है वो स्विच कर सकते हैं। जैसे कि ये थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, इस डिस्प्ले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइट मोड चला हुआ है, तो यहाँ पर आप डार्क मोड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा ब्लैक में टिकटॉक हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने जौक को, अपने इंटरेस्ट को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं लाइट से डार्क की तरफ। तो इस तरह आप अपने सेटिंग और प्राइवेसी में रहते हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा टिकटॉक के एडिक्टेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने लिए एक टाइम सेट कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम। इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो मैनेज कर पाएंगे। उस टाइम को आप जैसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेली स्क्रीन लिमिट, स्क्रीन टाइम ब्रेक्स, स्लीप रिमाइंडर्स, यहाँ पर आप तीनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं डेली आप 2 घंटे, 1 घंटा या आधा घंटा यूज़ करें, तो यहाँ पे टिकटॉक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेट डेली लिमिट स्क्रीन टाइम, यहाँ पे आप
सेम कर दें, यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे आप टाइम अपना मेंशन कर दें कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 आवर, या कस्टम टाइम, या अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं। तो इस तरह आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह स्क्रीन टाइम ब्रेक्स, अगर आप सिर्फ ब्रेक ही चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को 10 बजे सोते हैं, 9 बजे सोते हैं, या 11 बजे सोते हैं, तो यहाँ पर आप अपना रिमाइंडर लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगा दें भी मैंने 10 PM सोना, यहाँ पर डन कर दें और सेटअप कर दें। तो जैसे ही आपका स्लिपिंग टाइम होगा तो आपको ये रिमाइंड करवाएगा भाई सोने का टाइम है, सारे काम छोड़ो, स्क्रॉलिंग करना छोड़ दो और इट्स टाइम टू बेड, तो जल्दी से सो जाएं बस। तो इस तरह आप अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टिकटॉक का अब तक का सबसे मेरा फेवरेट और बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल फीचर है यही, ये देखना ना भूलिएगा। जैसा कि आपके बच्चे अगर टिकटॉक यूज़ करते हैं, स्पेशली उनको तो वैसे दूर रखें, अगर फिर भी वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो आप फैमिली पेयरिंग वाला एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फैमिली पेयरिंग का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेटिंग प्राइवेसी में, आप क्या कर सकते हैं, आप डैशबोर्ड उनका देख सकते हैं और डेली लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई आपने इतनी देर जो है वो टिकटॉक देखनी है, उसके बाद आप कि टिकटॉक जो है वो उसकी ब्लॉक हो जाएगी आपके बच्चे की, आपके फैमिली की, जिसका भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे अकाउंट। उसके बाद ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन उसको मैसेज कर सकता है कौन नहीं। इसके बाद आप मैनेज कर सकते हैं उसकी सेफ्टी सेटिंग को और प्राइवेसी को आप खुद कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि उसका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए या अनपब्लिक होना चाहिए, ये सारा आप अपने अंडरविजन में, अपनी सुपरविजन में आप ये चेकआउट कर सकते हैं। कीपिंग टिकटॉक को जो है वो फैमिली फ्रेंडली बनाना चाहता है तो पूरी सुपरविजन जो है वो आपकी होगी, आपके कंट्रोल में होगा कि वो क्या कर सकता है, क्या देख सकता है और कितनी देर तक से देखता है, इट्स टोटली अप टू यू। तो इस तरह आप अपना अकाउंट ऐड करेंगे, यहाँ पर जैसे कि कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेरेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप पेरेंट हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप उसका अकाउंट जो है वो स्कैन कर लेंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे विद इन सेकंड में उसका अकाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली टोटली आप उसे ट्रेस कर सकते हैं कि कैसी एक्टिविटी उसकी टिकटॉक अकाउंट पर चल रही है। तो यू कैन मैनेज, यू कैन कंट्रोल हर हिज अकाउंट कम्प्लीटली। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।